हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है एक और ब्लॉग में। ना ही तो दोपहर का टाइम है ना ही शाम का टाइम है, 3 बज रहे हैं, बच्चे तो अभी सो रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ, शायद अभी अभी ऑफिस से आए हैं, तो अभी थोड़ी देर आराम कर लेंगे। सो के उठूँ तो चाय चाहिए सबसे पहले। रात को जो है हमने वाइट वाले चावल बनाए थे, तो वो थोड़े से बच गए हैं, तो उन्हें मैं छोंक देती हूँ, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो उन्हें भी भूख लग रही होगी। तो उसके लिए मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट दिए हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ प्याज और टमाटर काट लिए, तेल भी चढ़ा दिया और चावल जो ज़्यादा ही बचे हुए ऐसे बना लूँगी तो यूज़ हो जाएंगे, नहीं तो शाम तक कोई नहीं खाएगा इन्हें। और मैं ये बना रही थी, लीशू एकदम से आ गई थी, तो पास्ता नहीं खाते, गंदी चीज होती है पास्ता, ठीक है। मतलब धनिया काट लिया फ्रेश फ्रेश, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं देखो कितने टेस्टी चिया के लिए डाल देती पहले, ये तो बैठे मुंह बना के। ये लगा दी मैंने चिया की प्लेट, और लीशु कुछ कह रही है, दे दूं की बोल दो, का जी कर गया चावल और दही देख के, है ना टेस्टी बनाए ना सर, खाओगे? खराब हो जाएगा मैं। इन्होंने तो मना कर दिया भाई, मैं खा लेती हूँ अपने, टेस्ट करते हैं जरा कैसे बने। बच्चों ने तो रिव्यू दे दिया, अब मेरी बारी है टेस्टिंग की। देखने में तो दस्तू लग रहे हैं, और ले रहा है नीचे लग गई, बढ़िया बन गया। देखो ये वही शख्स है जो भी मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, और कढ़ैया लेके आ गए हैं। अरे स्वाद पर सवा चार हो गया यार, चाय की कुड़कुड़ी मेरे भी लग रही है। उठते ही सबसे पहले क्यों कहिए चाय बना ले, कह रहे थैली मंगवा ले, बट थैली देखूंगी थोड़ी देर और वेट करती हूँ, 4:30 बजे तक अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थैली मंगवाएंगे, क्योंकि चाय के बिना, चाय एनर्जी बूस्टर, चाय के बिना काम नहीं चलेगा। और बच्चे अपना खा के खेलने चले गए, उनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, कढ़ाई में खा रहे हैं। पहले के लोग कहे करते कढ़ाई में खाना खाओगे तो शादी बारात में है ना बारिश आओगी। हमारी शादी तो हो लिया है, अब तो मैं डर ना है किसी चीज़ का, अपना तो हो लिया। और किस किस ने ये बात सुनी हुई है कमेंट करके बताना कि कढ़ाई में या भिगोने वगैरह में नहीं खाना चाहिए, तो फिर शादी में ना भारी शादी है। किसने डिब्बा खाली कर दिया भाई, सारा खाली हो गया, खाते रहोगे फिर नाम धरोगे। मैंने सिर्फ दो खाया रात में, ठीक है अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, मेरे मुंह में दे दो मोबाइल, रिकॉर्ड कर रही हूं ना मैं। कौन सा गाना गा रही बेटा? और 4:30 बजे से चाय का वेट करते करते सोच रहे दूध अब आएगा, लेकिन अब आया 6:30 बजे। तो चाय बनाने के लिए हमने थैली मंगवा ली थी, उसी की चाय पी है आज। रात को बनेगा बैंगन का भरता, कल 9 बज गए थे खाना बनाने में, तो आज इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। और शायद यहाँ एक शॉर्ट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई बैंगन के भरते की तैयारी कर दी है मैंने, बैंगन भी भून लिया, प्याज टमाटर लहसुन। और लीशु को जल्दी हो रही है घूमने जाने की, तो बनाऊंगी तो आने के बाद, पहले एक बार घूम ही आते हैं कितनी देर से तैयार हो रही है। मना कर रही है अल्लाह, शायद ने छींक भी मार दी, तो पहले घूम ही आते हैं, फिर उसके बाद आके सब्जी वब्जी बनाएंगे। क्या बना रही है? बर्ता बना रही है? आज बैंगन का भरता बना रही हूँ। बैंगन का भरता अच्छा लगता है या मेरा भरता अच्छा लगता है? मेरे तो दोनों ही फेवरेट है। गुड चॉइस। तो भाई आज फिर आ चुके
रुक जा, आराम से छोड़ो इनको। और सब्जी वगैरह का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि शरद फोन लेके चले गए, तो उन्हें कहीं जाना था, तो सब्जी वगैरह बना लिए मैंने, सलाद काट ली है, ये रही सब्जी, और बच्चों को रोटी बना के दे दी है मैंने। तो अभी आए थे तो किसी पूजा वगैरह में गए थे, तो वहाँ से हलवा लेके आए प्रसाद में, क्योंकि इनका इन्विटेशन था वहाँ पे, ये खाना नहीं खा के आए वहाँ पे, तो इसलिए गए थे घर ही बैठ के खा लूँगा मैं। तो सुबह सुबह की चाय चल रही है अभी, तो अभी सोच रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो है वो लोग से लोग डाला करें इसमें, क्योंकि कई कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप थोड़ा ज़्यादा गैप कर देते हो व्लॉग में, तो भाई कोशिश ये करेंगे कि डेली बेसिस पे व्लॉग वगैरह डाले करेंगे। ये सारा धर्म उधर जो है इन मोहतरमा पे है, क्योंकि मैं तो अभी चला जाऊँगा ड्यूटी पे। सुबह 5 बजे अलार्म बजा था, 5 बजे अलार्म बंद करके फिर धीरे 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 करके 5:30 बजे तक उठे हैं, उन्होंने चाय वगैरह बना दिया, चाय पी के थोड़ी एनर्जी बूस्ट करेंगे और उसके बाद अपने रसोई में लगेंगे। तो जैसे कि शाम को मैंने बताया था कि ये खाना बाहर से ही लेके आए थे, किसी पार्टी वार्टी में सब्जी वगैरह ले आए थे, तो जो मैंने सब्जी बनाई थी वो यूँ क्यों धरी है, तो सब्जी तो मुझे बनानी नहीं है, सिर्फ रोटी वगैरह सेकनी है और रायता बना दूँगी, वही चल जाएगी, क्योंकि सब्जी रखी हुई है बेकार में, इतनी एक्स्ट्रा बनाने का कोई फायदा नहीं है। सब्जी और मूंग की दाल का हलवा लेके आए थे, बहुत टेस्टी था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लंच तैयार कर दिया, तैयार हो रहे हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे, और नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करके जा रहे, कह रहे वहीं जाके चाय या पकौड़े खाऊंगा मैं। चाय पकौड़े एक दिन खाए जाएंगे, 2 दिन खाए जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन अपने घर की रोटी याद आए, पर्दे वर्दे भी हटा देती हूँ, और आज मौसम थोड़ा सही है, हवा भी थोड़ी कम चल रही है, 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। लंच हो गया तैयार, पकड़ा देते हैं, लो एट ए टाइम घर से निकलते निकलते भी यूँ ही रहेगा, ये वाली जैकेट पहन लो, वो वाली जैकेट पहन, तीसरी बार जैकेट चेंज, फोन रह गया अंदर, ठीक है, कहाँ रखा है, अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया, एक एक चीज भूल जाते हैं, अब गाड़ी की चाबी भूल गए, जाके बाहर खड़े हो जाते हैं, फिर बाहर से ये दे दे वो दे दे, लो सुबह सुबह मोर आ गया, तो हमारे यहाँ है ना बहुत ज़्यादा मोर है, एक तो ये बैठा और यहाँ पे एक ये बैठा, लीशु आ गई है उठ के, गुड मॉर्निंग पापा, चॉकलेट चॉकलेट, उठते ही सबसे पहले क्यों ही कही है पापा चॉकलेट लाना, एकदम बाहर मत आएगा ठंडा मौसम है, हमने अपने पापा को चीज के लिए बोल के पापा चॉकलेट लाना, दोबारा सो गया आके, मॉर्निंग बोल दो मॉर्निंग, और अभी कुछ दिनों से मौज आ रही है क्योंकि पेपरों के बीच में थी ज़्यादा ज़्यादा छुट्टी दी हुई है, दोनों बच्चे उठ चुके हैं और रसोई मैंने क्लीन कर दी है अपने, बच्चों को दूध दे दिया, लीशु बैठ के पी रही है, जी ने अपना दूध फिनिश करके अपनी पढ़ाई में लग गई है, ये दराजे साफ नहीं रह रही है, डेली बेसिस पे सुबह शाम दोनों टाइम कपड़ा मार देती हूँ, इनके हाथ लगते हैं ना, इनमें हैंडल नहीं है मेरे वालों में, तो ये खोलते हैं ना तो शायद ऐसे हाथ चपा जाते हैं, मैं तो खोलते वक्त ध्यान रखती हूँ कि नीचे से खोलना है, लेकिन वो तो हाथ लगा के खोलते हैं, तो सुबह शाम थोड़े बहुत हाथ लगते हैं तो उनको साथ के साथ साफ कर देती हूँ, फिर ना एकदम इतने ज़्यादा गंदे नहीं दिखाई देते, और अभी साफ़ कर दूँ साथ का तो उसका टाइम भी नहीं लगेगा, अगर हफ्ते में एक बार साफ़ करने बैठो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सब पे ही कपड़ा मार दिया, देखो एक भी निशान नहीं बचा, कहाँ जा रहे भाई जूते वूते पहन के, इनकी हो चुकी है घूमने की तैयारी, दूध वूध पी लिया अपना और अपने चल दिए घूम, झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो गई है मेरी, झाड़ू लगाने लगाने में भी 1 घंटे के करीब लग जाता है, अंदर से यहाँ पार्क तक सारा घुसना, अब झाड़ू लगाते हुए उसमें जड़ गई है तो इन्हें भी बो देती हूँ, बीज भी ले लिए और खुरपी भी ले लिए, तो आज इनका काम भी कर देती हूँ, पार्क वगैरह सब में मैंने झाड़ू लगा दिए, तो इनको ना ऐसी जगह पे बोऊंगी जिससे ना पेड़ का इनको सहारा मिल जाए ऊपर बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना ये खाली है और ये इस पेड़ के सहारे ना अगर बेल हुई तो सही बढ़ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा खोद लेती हूँ पहले, जिसमें डाल देती हूँ बीज, इस बार है ना मोर की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, लक और ये मूली ये तो मोर ने बिल्कुल ख़राब कर दी, अब ये
हुए हैं तो अभी सारे इसके अंदर अभी बीज आने लग गए। अभी अभी आया है दूध, इसमें इसको गर्म करने के लिए रखूँगी। और ये कल जो दूध आया था ना वो इतना सारा बचा हुआ है तो इसको फाड़ के पनीर बना लूँगी। ये और जो रात का दूध था ना ये भी अच्छा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर डाल दूँगी सिरका। इसको थोड़ी सी देर चला लेंगे, जगह भी थोड़ी देर में अपने आप सारा पनीर ऊपर आ जाएगा और पानी पानी है ना नीचे रह जाएगा। और आज का मौसम है ना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अब बादल ही बादल हो रहे हैं। मेरी और इसकी एक मिनट पे लड़ाई हो जाती है ना बेटा। और यू कह रही है मैं आपकी हेल्प नहीं लूँगी, मैं अपने आप तैयार रहूँगी, सारे कपड़े पहन लिए, बस एक टी शर्ट रह रही है इसकी पहननी, तेल वगैरह भी मैं अपने आप ही लगाऊंगी, है ना। क्यों लड़ाई हो गई? अब तेल नहीं लगाने दो। मैंने इसको तेल नहीं लगाने दिया ना इसीलिए मेरे से गुस्सा होगी, कह रही है मैं खुद तैयार रहूंगी अपने आप। रीशू को दिखाती हूँ तैयार होते वक्त गाना गा रही है। लगा रहा था जोर से गई थोड़ा। आप तैयार होने के चक्कर में ये देखो ये हो रहा है इनका मेकअप। ये क्या कर रही है लीशु? क्यों लीशु हो गई अपने आप रेडी, आज इसने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली है, क्लिप व्लिप सब अपने आप लगा लिया ठीक है, और मेकअप वगैरह भी कर लिया है मेरा, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं तो सोचा पीछे से हाथ साफ कर लेते हैं। तो अब घर का सारा काम खत्म हो चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है और अब खाना खाएंगे, सारा काम करके तभी खाना खाती हूँ मैं। लाइटें बंद कर दो, सारी लाइटें जल रही हैं, बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, खेलने बिजी हो रहे हैं अभी, थोड़ी देर मैं खाना खाऊंगी इन्हें खेलने दूंगी, उसके बाद ही पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।